Hey guys, welcome back to new vlog. So finally भाई आपको पता ही है आज हम लोग का ईद है और भाई सबको ईद मुबारक. तो फाइनली भाई अभी मैं आर के बीच आया था और तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, देख सकते हैं. ये सब पूरा मेरे घर के पास ही रहता है, सब मुझे जानते हैं, सब मेरे सब्सक्राइबर है ना, सब मेरे वीडियो देखते हो. और भाई ये भी आए हुए आपका, इसका स्पेशल मैं एक वीडियो डाला था शॉप का. और फाइनली भाई मैं आर के बीच आया था और चारों सेट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और क्या क्या होता है सब कुछ बताने वाला वीडियो में. सो ये वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स करवा ही देना. सो अभी चलते हैं, पूरा कवर लेते हैं. सो भाई तुम लोग जा रहे हो घर, तो आप लोग घर जाओ, टाइम हो गया 5:30. ठीक है, मिलते हैं कभी और. ठीक है बाय. सो तू भी आएगा हम लोग के साथ कि जाएगा? तो हम लोग चलेंगे अभी आर के बीच को एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे और बहुत सारे मस्ती भी करेंगे. तो बने रहे वीडियो के. तो भाई ऐसा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फोटो शूट हो रहे हैं और यहाँ पे आर के बीच है. देखो बीच कैसा होता है, समुंदर कैसा होता है. और सबसे बड़ा यहाँ पे होटल नोवो होटल, यहाँ पे जितना भी क्रिकेटर आता है सो यहीं पे नोवो होटल में ही रहते हैं. और यहाँ के बीच का नज़ारा ही कुछ अलग है भाई. अभी का टाइम 6:30 हो चुका है और पूरा मतलब वीडियो क्वालिटी नहीं आ रहा होगा. और मैं वाइट एंगल यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि वाइट एंगल यूज़ करने से क्या होता है, मेरा वीडियो का क्वालिटी डाउन हो जाता है, ब्लैक आएगा. तो मैं ऐसा ही किया ना, मैं 4K 60fps से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेरे दोस्त लोग फोटो वोटो क्लिक करवा रहा है जैसे पता है. और सो अभी यहाँ पे बीच में देख सकते हो बहुत सारे अभी नहा भी रहे, स्नान भी कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, फ़ोटोशूट ज़्यादा होता है. और अभी हम लोग आगे चलेंगे और पता नहीं नाइट में जैसा होगा वैसा ही आज मैं कैप्चर करूँगा वीडियो के अंदर. सो भाई कैसा लग रहा है भाई? तो ऐसा ही कुछ है यहाँ का सीन है. और यहाँ पे नोवो होटल बैक साइड दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा नोवो होटल. और अभी चलेंगे यहाँ से कुछ हट के उस टाइप पावर हाउस, उधर है टावर हाउस है, लाइट हाउस है, उधर जाने वाला हूँ मैं. सो भगा रहा है मुझे भाई, ऐसा कुछ नहीं. ब्लॉग करने वाले तो भाई सबको बधाई देने वाले, ईद का बधाई देने वाले और जितने भी मुसलमान है सबसे गले भी मिलेंगे. तो आप लोग बने रहो वीडियो के अंदर, जो होता है सब वीडियो के अंदर ही दिखाएंगे. तो भाई ये वीडियो के अंदर कम से कम मजा आने वाला है. देखता हूँ आप जहाँ पे मुस्लिम टाइप का होगा जो लड़का होगा उससे मैं ट्राइंग करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम. तो आप लोग कैसे दिखाओ तो वैसे धक्का तो नहीं होता जो पीछे पीछे नहीं आया समझा, और दूर में रह के जूम करना. ठीक है अभी आने मेरे पीछे पीछे देखें इधर बैठ के कुछ पार्टी शार्टी करने वाला है, कुछ खाने के ऑर्डर दिए हैं. तो यहाँ पे स्विगी से आने वाला है, क्या आने वाला है, मटर पनीर तो और चार कोफ्ता. तो यहाँ पे क्या आ रहा है सब आने वाला है. तो भाई यहाँ पे अभी बैठ के वेट कर रहा हूँ, कुछ ऑर्डर किया हूँ आने के, कुछ भूख लग रहा है. तो और आर के बीच में जो आर के बीच गया था
वहाँ पे मतलब लाइटिंग नहीं था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। सो यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे शॉपिंग मॉल तो आ गया, देख सकते हो कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है, जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरा दोस्त एक वॉच खरीदने के लिए गया हुआ है, उसका वेट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से फिर घर भी निकलना है हम लोग को, क्योंकि आज हम लोग को ब्लॉग जितना होता है ना उतना शूट कर नहीं पाया कुछ रीज़न की वजह से, कोई कारण की वजह से, क्योंकि मैं नाइट में निकला था और माइक लेके निकला ही नहीं था। तो एयरफोन यूज कर रहा हूँ, और बताना एयरफोन कैसा आवाज़ आता है, और अच्छा खासा आवाज़ तो आ जाता है। और वाइट एंगल तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो वाइट एंगल जो मैं ना ऐसे ही नॉर्मल कैमरा से मतलब फ़ोन के कैमरा से शूट कर रहा हूँ। और बताना मेरा दोस्त इधर है और एक उधर बैठा हुआ आराम से बैठा हुआ है, तो ये मॉल का थोड़ा इधर नज़ारा है, और इधर से अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरा दोस्त जैसे आ जाता है कुछ खाने पीने के लिए लेके आने वाला है, तो ऐसे आ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जो होता है।